आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए नवरात्रि स्पेशल में मैंने क्या बनाया आप लोगों के लिए। तो ये फ्रेंड फली और बेसन की बर्फी है और बहुत ही टेस्टी बर्फी है। तो इसे कैसे बनाना है ये आगे मैं आपको बताऊंगी। अभी आप देख पा रहे होंगे कि कितना टेस्टी, कितना प्यारा लग रहा है इसका लुक जो है, और जितना दिख रहा है उतना टेस्टी है भी ये फ्रेंड्स। तो बहुत ही यम्मी सा टेस्टी सा इस बर्फी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामान बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 से 3 सामानों में ये बन के रेडी होगा और बहुत ही टेस्टी बर्फी बन के रेडी होगा। आप देख पा रहे हैं इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए कितना प्यारा आया हुआ है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको पसंद आए मेरी आज की रेसिपी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए कच्ची फली, मूंगफली जिसे कहते हैं सिंगदाना, आप जिस भी नाम से जानते हो। एक बाउल मैंने लिया है मेज़रमेंट के हिसाब से, और उसी बाउल में एक बाउल मैंने लिया है शक्कर, और एक बाउल हमें उसी बाउल में लेना है पानी। बेसन मैंने कुछ कम लिया है, और यहाँ बादाम है। बादाम बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको लेना है तो लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, बिना डेकोरेट किए भी ये बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है, और आपको फुल बाउल ही लेना है सभी चीज़ों का, और मेज़रमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको अगर इस रेसिपी को आप बना रहे हो। तो आप देख पा रहे हैं कि बेसन मैंने थोड़ा सा कम लिया हुआ है, और बादाम को मैंने इस तरह से 2 टुकड़ों में कट कर दिया है। और शक्कर ये पानी से हमें बनाना है चाशनी फ्रेंड्स। और इधर हमें चाहिए देसी घी, तो देसी घी इतना नहीं लगेगा, जितना यूज़ होगा हम उतना कर लेंगे। और फ्रेंड्स शक्कर और पानी से हमें बनाना है चाशनी, और बिल्कुल एक तार की चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनाने में वैसे भी टाइम हो जाता, तो मैंने पहले ही चाशनी बना करके मैं रख ली हूँ। आपको सिर्फ एक बाउल पानी डालना है, एक बाउल शक्कर डालना है, और इतनी फली और इतनी बेसन के लिए इतना जो चाशनी है वो पर्याप्त तो होगा। तो मैं आपको चाशनी दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड मैंने चाशनी रेडी की, और बिल्कुल एक तार की चाशनी बनानी है आपको। और आप देख पा रहे हैं कई बार ऐसा होता है जो चीनी होता है बहुत ज़्यादा गंदी आती है, तो अगर आपकी चीनी भी थोड़ी गंदी लगे, मटमैली आपको लगे आपकी चाशनी का जो कलर है वो, तो आप उसमें जब भी बॉईल हो रही हो चाशनी तो उसमें 2 चम्मच आप शक्कर सॉरी दूध का डाल दें, बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी आपकी चाशनी। तो मैंने ही वैसी करके चाशनी बना के रेडी किया है। तो ये देखिए फ्रेंड हम इंडक्शन पर चढ़ा दें एक पेन। अगर आप गैस पर बना रहे हो तो बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको जो है फली को भूनना है, और इस पूरी रेसिपी को लो ही फ्लेम पर बनाना है। तो इधर देखिए हमें फली को तब तक फ्राई करना है जब तक, रोस्ट करना है तब तक उसके छिलका ना निकल जाए। तो इधर देखिए फ्रेंड मैंने सारे फली के छिलके जो है निकाल लिए हैं, और इसे मैं डाल दूंगी मिक्सी में और मिक्सी के जार में, और इसे हम कर लेंगे ग्राइंड। और ग्राइंड याद रखिए कैसे करना है आपको, बिल्कुल एक बार नहीं चलाना है, बीच बीच में रोक रोक के चलाना है, नहीं तो ये तेल छोड़ने लग जाएगी और अच्छे से आपकी जो फली है वो नहीं पीस पाएगी। तो ये देखिए मैंने फिर से चलाया, फिर से बंद किया, फिर चलाया, फिर बंद किया, इसी प्रोसीजर में चला करके मैंने फली को पीस लिया है। तो इधर देखिए उसी पैन में मैं फिर से चढ़ा दी हूँ इंडक्शन पर फ्रंट, और इसमें अब हम डाल देंगे घी, देसी घी। अगर आपको घी नहीं पसंद है आप ऑयल में भी बना सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने 2 चम्मच के आसपास यहाँ घी ऐड किया। ये देखिए घी को होने देते हैं मेल्ट बढ़िया से। तो आप देख पा रहे हैं हमारा घी जो है इधर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। बेसन मैंने एक बाउल नहीं लिया हुआ है, बाकी सारा सामान हमने एक एक बाउल लिया है, बेसन हमने थोड़ा कम लिया है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड आप बेसन को देख पा रहे हैं, इसे बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, इसे लो फ्लेम पर भूनना है। जब तक भूनना है बेसन के अंदर से खुशबू बाहर ना आने लग जाए तब तक कि आपको भूनना है, और बेसन जो है घी ना छोड़ने लग जाए। तो ये बहुत ही यम्मी सा टेस्टी सा बर्फी का रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, और आपके फैमिली में बहुत पसंद करेंगे सब लोग, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमें बिल्कुल पेशेंस रखना है यहाँ पर जब भी हम बेसन को भूने, तो क्योंकि बहुत टाइम लेता है बेसन भूनने में। आप देख पा रहे हैं सारा घी को एब्जॉर्व कर लिया है अभी बेसन ने, पर एंड में क्या होगा कि जितना भी अब्जॉर्व किया हुआ है बेसन ने घी उतना बाहर ही निकाल देगा, बाहर छोड़ देगा, आप देख पाएंगे आगे। तो ये देखिए अभी ड्राई सा लग रहा होगा आपको, पर आके देखिएगा। ये देखिए 4 से 5 मिनट भूनने के बाद लो फ्लेम पर इस तरह से हमारा जो बेसन का बैटर है वो हो गया है, घी जो है छोड़ने लग गया। अभी भी ये हुआ नहीं है क्योंकि इसके अंदर से उतना अच्छे से खुशबू नहीं आ रहा है। हमें तब तक भूनना है जब तक बहुत ही प्यारा सा महक किचन में ना भर जाए, और बहुत ही अच्छा सा खुशबू जो है सबको ना
ना महसूस होने लगे, सभी बोलने चालू कर देंगे कि अरे क्या खुशबू आ रहा है। तो बिल्कुल वहीं तक वेट करें और अपने बेसन को तब तक भूनते रहे लो फ्लेम पर। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे घर में भी पूरा किचन महक गया है खुशबू से, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है बेसन की खुशबू से और घी की खुशबू से। तो हमारा जो है बेसन भून करके बिल्कुल रेडी है, इसे हम शिफ्ट कर लेंगे दूसरे प्लेट पे। तो चलिए आप देख पा रहे हैं बबल्स आ रहे हैं और घी छोड़ रहा है हमारा बेसन, तो बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। इसे हमने शिफ्ट कर लिया दूसरे बाउल में और मैंने क्लीन कर लिया है इस पैन को। अभी हम इसमें डाल देंगे जो हमने चाशनी बना के रखा था उससे। तो आप देख पा रहे हैं चाशनी कितनी गाढ़ी है, बहुत ही ठीक है, बिल्कुल एक तार की चाशनी है और बहुत ही बढ़िया सा बन के रेडी होता है चाशनी फ्रेंड। मैंने कहा था इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी चाशनी बॉईल हो रही 2 चम्मच आप मिल्क का डाल दें, बहुत ही क्लीन चाशनी बन के रेडी होगी। तो इधर देखिए फ्रेंड, हल्का सा गर्म होने देंगे। अभी हम ऐड कर देंगे इसमें जो फल्ली हमने पीस के रखी थी। तो ये देखिए फल्ली का पाउडर हमने मिक्स कर दिया और तुरंत ही हम मिक्स कर देंगे जो बेसन हमने भूना था उसे भी हम तुरंत ही डाल देंगे। आप देख पा रहे हैं। अब फ्रेंड इस बात का आपको आगे ध्यान रखना है कि हमें इस मिक्सचर को तब तक भूनना है जब तक ये पेन ना छोड़ दे। अभी आप देख पा रहे हैं मैंने कहा था कि इतना शुगर काफ़ी होगा और इतना पानी काफ़ी होगा, जो हमने चाशनी तैयार की थी वो इतने मिश्रण के लिए काफ़ी होगा। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, मेज़रमेंट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये बढ़िया से मिक्स कर देते हैं आराम से, और इस स्टेज पर भी आपको लो ही रखना है फ्लेम को। अगर आप गैस में बना रहे हो, मैं यहाँ इंडक्शन में बना रही हूँ, तो मैंने भी बहुत ही लो रखा हुआ है फ्लेम को, और आप भी बिल्कुल लो फ्लेम पर ही बनाएं तभी ये बढ़िया बनेगा। नहीं तो ऊपर से तो भून जाएगा, भुना हुआ दिखेगा, पर जब टेस्ट करोगे आप तो अंदर से बेसन का टेस्ट आएगा, कच्चापन रहेगा, तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा बर्फ़ी का जैसा आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि बढ़िया से हमारा बेसन जो है भून गया और पेन जो है छोड़ने लग गया। जब तक हमारा ये होता है हम ग्रीस कर देते हैं ट्रे को, क्योंकि इसी ट्रे में हम जो है बर्फ़ी को जमाएंगे। आपको जिस भी चीज़ में जमानी है आप उसमें कर सकते हो ग्रीस। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो बैटर है एकदम बढ़िया से फैन छोड़ने लग गया है और एकदम बढ़िया बन चुका है। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम अब जमाते हैं ट्रे में। जमाने के लिए आप प्लास्टिक या फाइबर का यूज़ ना करें, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है और आपको गर्म गर्म ही जमाना होता है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप स्टील के बर्तनों का यूज़ करें। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, सभी बैटर को हम डाल देंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है और गर्म गर्म ही आपको फैलाना है। और देखिए मैंने चम्मच के पीछे तरफ घी लगा करके इसे बढ़िया से फैला दिया है। तो एकदम आपको जितनी भी मोटाई में चाहिए, जितनी भी पतली चाहिए, उस हिसाब से आप अपना बर्फ़ी जमा सकते हो। और मैंने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं की है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं की, एकदम जो बीच का होता है वैसे मैंने बनाया। और हाथों के सहायता से देखिए मैं डब डब करके इसे थपथपा देती हूँ। और ये जो रेसिपी है बिल्कुल माउथ वाटरिंग रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मुँह में पानी आने वाला रेसिपी है। तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है फ्रेंड्स ये, और आप देख पाएंगे आगे इसका जो कलर है, इसका जो टेक्स्चर है वो कितना बढ़िया आता है और कितना बढ़िया दिखता है ये भी जब हम इसे कट करेंगे, जब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इसे अभी हमें ठंडा होने देना है। मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था लगभग 15 मिनट के लिए, और 15-20 मिनट के बाद हम इसे कर लेंगे कट नाइफ से। तो आपको जिस भी साइज में काटना है, आपको डायमंड शेप में काटना है, जिस भी शेप में काटना है आपको, अगर आपको गोल गोल काटना है तो आप छोटी छोटी कटोरी रख के गोल गोल काट सकते हो, मैं यहाँ इसे स्क्वायर में काटूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ट्रे में जमाने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमें बिल्कुल सही माप मिलता है और बढ़िया से ये जम जाता है एकदम जो है सही तरीके से, आप देख पा रहे हैं, और बढ़िया से पीस भी इसका निकलता है। तो ये देखिए फ्रेंड, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, आसानी से जो हमारी बर्फ़ी है वो निकल जा रही है। तो बहुत ही टेस्टी सा मेरा बर्फ़ी बन के रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस नवरात्रि माता को भोग लगाइएगा, क्योंकि मैंने माता के लिए ही स्पेशल इसे बनाया है आज। तो ये देखिए हमारा बर्फ़ी जो है बनके रेडी है फ्रेंड्स, और इसे हम प्लेटिंग कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं इसका जो मोटाई है कितना है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, और सामने भी मैंने दिखा दिया था, बढ़िया से प्लेटिंग कर देते हैं। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है देखने में भी और खाने में भी, ये टेस्टी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए
बढ़िया से हम जमा देंगे। और जो बादाम की पीसेस है, मैंने एक बादाम को दो भाग में बांटा था, बीच से मैंने अलग अलग किया था, तो ये देखिए बादाम को हम ऊपर से गार्निश कर देंगे। और बादाम की जगह आपको जो भी पसंद है आप वो भी, पिस्ता, काजू, जो भी किशमिश आपको पसंद है आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ लिया हुआ है बादाम। तो ये देखिए फ्रेंड, सारी बर्फियों को हम ऐसे ही सेट कर देंगे, जमा देंगे यहाँ, और इसे फ्रिज में अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, पर जो एयर टाइट डिब्बा होता है, जैसे कांच का बाउल है ढक्कन, उसमें आप डाल के रखिए, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको फ्रिज में स्टोर करनी है, तो ऐसे डायरेक्टली आप फ्रिज में ना रखें। तो ये देखिए फ्रेंड, सारी चीज़ों को हमने जमा दिया। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।